तो आज हम लोग एक्सरसाइज 9.3 शुरू करते हैं। 9.3 का क्वेश्चन नंबर 1 शुरू करते हैं। क्या बोला है इसके अंदर? इवेल्युएट करें। इवेल्युएट करने का मतलब होता है कि इसको मतलब सॉल्व करके इसकी असल वैल्यू बताएं। अच्छा, इसके लिए हमारे पास अगर ये मैट्रिक होता तो उसके अंदर तो हमें वैल्यूज याद करनी पड़ती, लेकिन इंटर के अंदर हमारे पास कैलकुलेटर अलाउ होता है। तो ये सवाल वैसे पेपर में आता नहीं है, अगर आएगा भी तो एमसीक्यूज के अंदर ही आएगा। अच्छा, करना कैसे ऐसे? सबसे पहले हमें देखा है साइन पाई बाई 3, हमारे पास अगर कैलकुलेटर है तो क्योंकि पाई में वैल्यू है तो हमें सबसे पहले इसे किस में? रेडियन में कन्वर्ट करना होगा। रेडियन में कैसे कन्वर्ट करते हैं? शिफ्ट मोड, और रेडियन किस पे लिखा हुआ है? 4 पे लिखा हुआ है, तो 4 ये हमारा हो गया पहले रेडियन में कन्वर्ट। अब हमें क्या करना है? बस सिर्फ वैल्यूज देखनी है। साइन पाई बाय 3 की क्या है, कॉस पाई बाय 6 की क्या है, कॉस पाई बाय 3 की है, और साइन पाई बाय 6 की क्या है। तो पहले साइन पाई बाय 3 की वैल्यू देख लेते हैं। साइन शिफ्ट पाई बाय 3, साइन पाई बाय 3 किसके बराबर है? रूट 3 ओवर 2 के बराबर है। अच्छा, साइन पाई बाय 3 है रूट 3 ओवर 2 के बराबर। अच्छा, इसी तरह कॉस पाई बाय 6 निकाल लें, वो भी असल में रूट 3 ओवर 2 के ही बराबर होती है जब आप निकालेंगे। माइनस अब क्या है? कॉस पाई बाय 3, कॉस पाई बाय 3 किसके बराबर होता है? मेरे ख्याल से 1 ओवर 2 के बराबर होता है। निकाल लेते हैं कॉस पाई बाय 3 किसके बराबर है? 1 ओवर 2 के, 1 ओवर 2। और इसी तरह साइन पाई बाय 6 भी अगर जब निकालेंगे तो वो 1 ओवर 2 के ही बराबर होते हैं। तो इन सवाल आपके अंदर ये करना है, सब की जगह उसकी वैल्यूज़ रखनी है, और उसके बाद क्या करना है? इसे सॉल्व कर लेना है। अच्छा, रूट 3 मल्टीप्लाई बाय रूट 3, दोनों पे रूट है तो रूट 3 स्क्वायर हो जाएगा, रूट 3 स्क्वायर, और 2 2 4 हो गया यहाँ पे। तो इसी तरह 1 मल्टीप्लाई बाय 1 और 2 2 4 हो गया यहाँ पर भी, स्क्वायर से रूट कट जाएगा तो यहाँ तो 3 बचा, ये हो गया 3 ओवर 4 माइनस 1 ओवर 4। अच्छा, डिनोमिनेटर सेम है तो नीचे तो 4 आ जाएगा, ऊपर क्या हो जाएगा? 3 माइनस 1, 3 माइनस 1 क्या होगा? 2 ओवर 4, और 2 अपॉन 4 क्या होगा? 2 1 2 2 2 4। तो आंसर क्या है? 1 ओवर 2। तो पहले क्वेश्चन नंबर 1 का हमारा आंसर क्या है? 1 ओवर 2, कि ये पूरी वैल्यू किसके बराबर है? 1 ओवर 2 के। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 2 करते हैं। इसमें क्या कहते हैं? साइन पाई बाय 4 कॉस पाई बाय 4 माइनस टेन पाई बाय 4। तो हम लोग यहाँ पे देख लेते हैं साइन पाई बाय 4 पहले देख लेते हैं। साइन पाई बाय 4 किसके बराबर है? रूट 2 ओवर 2 के बराबर है। तो मैं साइन पाई बाय 4 की जगह रूट 2 ओवर 2 लिख दूँ, रूट 2 ओवर 2। अच्छा, जो साइन पाई बाय 4 होता है वही कॉस पाई बाय 4 होता है, चाहे तो कैलकुलेटर से देख लें। रूट 2 ओवर 2, ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई हो रहे थे, माइनस टेन पाई बाय 4। इसी तरह हम लोग कैलकुलेटर से क्या देख लेंगे? टेन पाई बाय 4, तो टेन शिफ्ट पाई ओवर 4, ये सारी चीज़ रेडियन के अंदर होगी। क्या होगा? टेन पाई बाय 4 1 के बराबर है। इसे हम लोग सॉल्व कर लें। अच्छा, रूट 2 मल्टीप्लाई बाय रूट 2 क्या हो जाएगा? रूट 2 का होल स्क्वायर, और नीचे क्या हो जाएगा? 2 मल्टीप्लाई बाय 2 4 माइनस 1, इस रूट से स्क्वायर कट गया, क्या बच गया? 2 ओवर 4 माइनस 1। अच्छा, 2 ओवर 4 2 1 2 2 2 4, तो क्या हो गया? 1 ओवर 2 माइनस 1। अच्छा, 1 ओवर 2 माइनस 1 क्या होता है कि 0.5 में से 1 गया, तो माइनस 1 ओवर 2। तो ये हमारे क्वेश्चन नंबर, अच्छा अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 शुरू करते हैं। तो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? कॉस पाई बाय 4 मल्टीप्लाई बाय कॉस पाई बाय 3। तो हम लोग देख लेते हैं कॉस पाई बाय 4 हमारे किसके बराबर है? रूट 2 ओवर 2, और कॉस पाई बाय 3 किसके बराबर है? 1 ओवर 2। रूट 2 ओवर 2 मल्टीप्लाई बाय 1 ओवर 2, ये हमारा पहला हो गया माइनस। अब साइन पाई बाय 4 मल्टीप्लाई बाय साइन पाई बाय 3 देख लेते हैं। साइन पाई बाय 4 किसके बराबर है? रूट 2 ओवर 2, और साइन पाई बाय 3 किसके बराबर है? रूट 3 ओवर 2। क्या हो जाएगा? रूट 2 ओवर 2 मल्टीप्लाई बाय रूट 3 ओवर 2। अच्छा, आप एक चीज़ हमें देखनी है इस सवाल के अंदर, क्या है कि हम लोग कॉस पाई बाय 3 की वैल्यू 1 ओवर 2 रखी और कॉस पाई बाय 4 की वैल्यू रूट 2 ओवर 2 रखी, लेकिन रूट 2 ओवर 2 जो है वो सिंप्लीफाइड फॉर्म नहीं है। अगर दोनों, जैसे पिछले सवाल में रूट 2 ओवर 2 आया, वो मल्टीप्लाई बाय रूट 2 ओवर 2 ही हो रहा था, तो अब अगर मैं इसको मल्टीप्लाई करवाऊंगा तो कोई मसला नहीं है, लेकिन इसकी सिंप्लीफाइड फॉर्म क्या है? 1 ओवर रूट 2 है ना। रूट 2 ओवर 2 की सिंप्लीफाइड फॉर्म है 1 ओवर रूट 2, लेकिन 1 ओवर रूट 2 मल्टीप्लाई बाय 1 ओवर रूट 2 करवाऊँ, इन दोनों का आंसर सेम आएगा, दोनों का एग्जैक्ट आंसर सेम आएगा। लेकिन यहाँ पे अब क्या हो रहा है, हमने एक तो अनसिम्प्लीफाइड फॉर्म रखी है और बाकी ये तो खुद ही सिंप्लीफाई है 1 ओवर 2 और रूट 3 ओवर 2। तो इसलिए हमें करना क्या होगा, इसे सिंप्लीफाई फॉर्म में अगले स्टेप में लिखना होगा। रूट 2 ओवर 2 की सिंप्लीफाइड फॉर्म क्या है? 1 ओवर रूट 2। और ये होता कैसे, ये भी मैं आपको पहले बता चुका हूँ, एक बार फिर बता देता हूँ तेजी से। ये है रूट 2 ओवर 2, तो ये लिख सकता हूँ इस तरह कि 2 की पावर 1 ओवर 2 ओवर 2।
अच्छा टू नीचे ऊपर चला जाएगा तो क्या हो जाएगा, टू वन ओवर टू मल्टीप्लाई बाय टू की पावर माइनस वन, ऊपर चला गया तो माइनस वन, बेसिस सेम पावर है टू वन ओवर टू माइनस वन, वन ओवर टू माइनस वन क्या हो जाएगा टू की पावर माइनस वन ओवर टू, जब नीचे चला जाएगा तो क्या हो जाएगा वन ओवर टू की पावर वन ओवर टू, और इसे क्या कहते हैं वन ओवर टू को रूट कहते हैं वन ओवर रूट टू। तो असल में ये चीज़ यही है, तो यहाँ पे हम लोग हमेशा जब भी किसी और से मल्टीप्लाई हो रहा होगा तो हमेशा इसकी सिंप्लीफाइड फॉर्म लिखेंगे, ये हो गया वन ओवर रूट टू मल्टीप्लाई बाय वन ओवर टू माइनस, इसी तरह इसको भी वन ओवर रूट टू मल्टीप्लाई बाय रूट थ्री ओवर टू। अब आगे कर लेते हैं हम लोग, क्या हो जाएगा हमारे पास वन मल्टीप्लाई बाय वन रूट टू मल्टीप्लाई बाय टू टू रूट टू, इसी तरह वन मल्टीप्लाई बाय रूट थ्री रूट थ्री, टू मल्टीप्लाई बाय रूट टू टू रूट टू, डिनोमिनेटर सेम है तो नीचे ऐसे ही आ जाएगा टू रूट टू और ऊपर क्या आ जाएगा वन माइनस रूट थ्री, और ये हमारा आंसर है। तो हम लोग क्वेश्चन नंबर फोर करते हैं, इसमें क्या है टेन पाई बाय फोर माइनस टेन पाई बाय सिक्स वन प्लस टेन पाई बाय फोर टेन पाई बाय सिक्स, तो टेन पाई बाय फोर और टेन पाई बाय सिक्स की वैल्यू हमें पता होनी चाहिए, तो हम लोग क्या निकाल लेते हैं टेन पाई बाय फोर बराबर होता है वन के, और टेन पाई बाय सिक्स बराबर होता है रूट थ्री ओवर थ्री के। अच्छा फिर वही सवाल, रूट थ्री ओवर थ्री सिंप्लीफाइड फॉर्म नहीं है, सिंप्लीफाइड फॉर्म क्या होगी वन ओवर रूट थ्री होगी, तो वन ओवर रूट थ्री और वन हमारे पास है, तो टेन पाई बाय फोर किसके बराबर है वन के, ये किसके बराबर हो गया वन ओवर रूट थ्री के, वन प्लस टेन पाई बाय फोर वन के, वन मल्टीप्लाई बाय क्या है वन ओवर रूट थ्री, बस ये आप सॉल्व करना है, ऊपर क्या हो जाएगा वन माइनस रूट थ्री करके हो जाएगा तो नीचे रूट थ्री आ जाएगा पूरा, रूट थ्री क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा रूट थ्री वन से होगा तो रूट थ्री, और इसके नीचे कुछ नहीं है तो वन वन जार वन, ऊपर तो ये बन गया। अब नीचे कर लेते हैं, नीचे क्या हो जाएगा वन इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा तो वही रहेगा वन प्लस वन ओवर रूट थ्री। अच्छा ऊपर तो वही लिख देता हूँ वापस, रूट थ्री माइनस वन ओवर रूट थ्री, और नीचे क्या हो जाएगा फिर वही नीचे रूट थ्री आ जाएगा, रूट थ्री वन से मल्टीप्लाई होगा तो रूट थ्री, और वन वन से होगा तो इस बार प्लस वन। अच्छा ये दोनों डिवाइड हो रहे हैं तो इसे मैं मल्टीप्लाई करके लिख सकता हूँ, तो ऐसे लिख सकता हूँ मैं रूट थ्री माइनस वन ओवर रूट थ्री मल्टीप्लाई, अब मल्टीप्लाई करेंगे तो उल्टा हो जाएगा, अब ये क्या हो जाएगा रूट थ्री अपाउन रूट थ्री प्लस वन, रूट थ्री से रूट थ्री कैंसिल और आंसर क्या आ गया हमारा रूट थ्री माइनस वन अपाउन रूट थ्री प्लस वन, और ये है क्वेश्चन नंबर फोर का।